हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे WBJEE 2023 का मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कमेंट करते थे कि भैया इतना मार्क्स में मेरा कितना रैंक बनेगा, तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज WBJEE से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोग को बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हम लोग आप लोग के लिए एक सपोर्ट लाए हैं जिसमें आप लोग को हेल्प किया जाएगा कॉलेज रिव्यू में, वो भी आप लोग को फोन कॉल में। तो नीचे में आप लोग को एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा कॉलेज इंक्वायरी बोल के, उसको आप लोग को फिलअप करना है और उस फिलअप करने में आप लोग को वहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। आप जिस कॉलेज में, वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज का अगर आप लोग उसका नाम लिखते हो और उसको अगर आप लोग सबमिट करोगे तो उसका वहाँ से कॉल किया जाएगा और फिर आप लोग को उस कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, तो जो भी डाउट है आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए, तो वहां से आप लोग को एडमिशन का भी गाइडलाइन किया जाएगा और आपका 100% श्योर हो कि उसमें आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन का दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस आप लोग का मेरिट के थ्रू होता है, दूसरा प्रोसेस आप लोग का होता है मैनेजमेंट कोटा, जिसको आप लोग डायरेक्ट एडमिशन के नाम से भी जानते हो। तो अगर आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेज में, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सभी को पता है कि टॉप कॉलेज कौन कौन सा है, आप लोग का IIM, हेरिटेज, हल्दिया इंस्टीट्यूट, तो ये सब कॉलेज में अगर आप लोग को डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है टॉप ब्रांचेस में, तो नीचे में आप लोग को गूगल फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग कॉलेज इंक्वायरी कर लो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कॉलेज अच्छा, तो उसके बाद आप लोग का एडमिशन भी होगा। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोग के लिए काउंसलिंग भी लेकर आए हैं। नीचे आप लोग काउंसलिंग का भी आप लोग गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप लोग फिलअप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है लेकिन वो काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं और वो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता उनको, तो आप लोग को यहाँ पर काउंसलिंग का भी सपोर्ट मिलेगा एक वेरी लो कॉस्ट। आप लोगों को 150 में सिर्फ आप लोगों को काउंसलिंग किया जाएगा, पूरा फुल आप लोगों को गाइडलाइन जो आपको गाइड दिया जाएगा और आपका जितना भी रैंक है उसमें आप लोग एक बेस्ट कॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट है वो आप लोगों को काउंसलिंग करेंगे। आपका जितना भी रैंक है, आपका अगर 20,000 या 30,000 तक भी आपका रैंक है, तो उसमें आप लोग एक बेस्ट कॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोगों को पूरा फुल सपोर्ट किया जाएगा। आप लोगों के लिए एक इंडिविजुअली जो है कॉलेज ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर में आपके एक्सपर्ट भी रहेंगे जो आप लोग हेल्प करेंगे और आप उनको जब मन तब आप लोग कॉल भी उनको कर सकते हो। तो ये आप लोग काउंसलिंग का हेल्पलाइन है। तो नीचे आप लोग को मेन लिंक मिल जाएगा, आप लोग कॉलेज इंक्वायरी का भी लिंक मिलेगा। कॉलेज इंक्वायरी आप लोग का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस करोगे, काउंसलिंग में सिर्फ आप लोग को 150 रुपीज लग रहा है और आप लोग पहले फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद आप लोग को पेमेंट करना है। तो ये आप लोग के लिए सपोर्ट आप लोग के लिए लेके आए, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग का, अगर आप लोग का जो मार्क्स है टोटल मार्क्स 190 से 200 तक रहा, तब आप लोग का जो रैंक बनेगा 1 से 61 तक रहेगा। तो और अगर आप लोग का जो मार्क्स है 170 से 190 रहा, 170 से 189 रहा, तब आप लोग का जो रैंक बनेगा आप लोग का 100 से 150 के बीच में बनेगा आप लोग का रैंक WBJEE का रैंक। और अगर आप लोग का जो मार्क्स है WBJEE का 150 से लेकर 169 रहा, अगर 150 से 169 रहा, तब आप लोग का WBJEE का रैंक बनेगा 179 से 351 आप लोग का रैंक बन जाएगा। और अगर आप लोग का 140 से 149 अगर आप लोग का मार्क्स रहा, तब आप लोग का WBJEE का रैंक बनेगा 2401 से 2801 तक आप लोग का बन जाएगा, 2401 से 2801 तक आप लोग का रैंक बनेगा। और अगर आप लोग का टोटल मार्क्स 119 रहा, 100 से 119 रहा, तब आप लोग का WBJEE का रैंक बनेगा 5900 से लेके 6300 तक आप लोग का बन जाएगा, 5900 से लेके 6300 तक बन जाएगा। और अगर आप लोग का WBJEE का टोटल मार्क्स रहा 80 से 99, यानी 80 से 99 तक रहा, तब आपका जो रैंक बनेगा 9900 से लेकर 10300 तक आप लोग का बनेगा, 9900 से 10300 तक बनेगा। और अगर आप लोग का टोटल मार्क्स 60 से
अगर आप लोग का टोटल मार्क्स 60 से 79 रहा तब आप लोग का बनेगा 15,750 से 16,250, 15,750 से 16,250 बनेगा। और अगर आप लोग का टोटल मार्क्स अगर आप लोग का कैलकुलेट कर रहा हो टोटल मार्क्स अगर आप लोग का 40 से 49 रहा तब आप लोग का रैंक बनेगा यहाँ पे 34,750 से 35,250, ये आप लोग का टोटल आपका रैंक बनेगा। और अगर आप लोग का जो मार्क्स है 20 से सिब 39 तक रहा तब आपका जो मार्क्स आपका जो रैंक बनेगा 56,000 से लेके 58,500। हालांकि इतना रैंक्स आप लोग कुछ होगा नहीं, इतना रैंक्स अगर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोग का जो मार्क्स 10 से 19 के बीच में रहा तब आप लोग का जो रैंक बनेगा वो अबव आप लोग का 68,000 बनेगा। तो ये हुआ आप लोग का मार्क्स वर्सेस रैंक। तो कोई भी अगर आप लोग को मार्क्स वर्सेस रैंक में डाउट हो रहा है तो नीचे में आप लोग को गूगल फॉर्म मिला उसको फिलअप कर लो, आपके जितने भी रैंक है उसमें आप लोग को बेस्ट कॉलेज आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग काउंसलिंग का हेल्प आप लोग को हेल्पलाइन आप लोग को मिल रहा होगा तो नीचे में आप लोग काउंसलिंग हेल्पलाइन बोल के आप लोग को एक गूगल फॉर्म दिख रहा है उसको आप लोग फिलअप कर लो, बिकॉज जितने भी आपको रैंक है उसमें आप लोग को बेस्ट कॉलेज दिया जाएगा। और आप लोग अगर कोई कॉलेज रिव्यू करना है इंडिविजुअली इस कॉलेज का रिव्यू करना या डायरेक्ट एडमिशन लेना है आप लोग को किसी कॉलेज में तो आप लोग को एक कॉलेज इंक्वायरी फॉर्म भी मिल जाएगा उसको आप लोग फिलअप कर लो, उसमें आप लोग उसमें कॉलेज रिव्यू कर सकते हो। और अगर आप लोग को एडमिशन लेना तो आपको 100% उसमें एडमिशन भी मिल जाएगा विद टॉप ब्रांच आपको मिलेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो।